गणी जी ओबीसी प्रेसिडेंट बोल रहे हूं मेरे वीर चेयरमैन जी साडे जितेंद्र ने लक्की जी कंट्रोल में अपने विचार रखेंगे सरदार जितेंद्र सिंह जी लक्की मेरे इथे आए हुए मुख मेहमान श्री अजय कुमार सडोत्रा जी रतन लाल जी बाबू रामपाल जी अब्दुल गन मलिक जी जलालुद्दीन काजी विमला लूथरा जी विजय लक्ष्मी दत्ता जी चंद्रमोहन शर्मा जी अब्दुल गनी तेली जी अंकुश अबरोल डॉक्टर विकास शर्मा राकेश सिंह राका जी तेजिंद्रपाल सिंह अमन जी हर्षवर्धन सिंह जी ते सोमराज जी अते साडे ब्लॉक प्रेसिडेंट परविंदर सिंह जी अते साडे एक्स सरपंच आया सिंह जी मैं इन्हां दा सारिआं दा तहे दिल नूं स्वागत करदा हां अते जिहड़े साडे सद्दे पत्ते ते इत्थे पहुंचे मेरी मातावां भैणां जिहड़ी काफ़ी देर तों उत्थे बैठियां अते मेरे भरा जिहड़े काफ़ी देर तों उत्थे बैठे हुंदे सन और इन्हां सारिआं दे चेहरे ते इक आस उम्मीद है जो उत्थे लै के बैठे हन क्योंकि इह चाहुंदे हन कि साडा कोई बांह पकड़े बांह पकड़ के साडी जिहड़ी आस उम्मीद है जिहड़ी साडियां ख्वाहिशां हन जिहड़े साडे मसले मिसाइल हन उन्हां नूं कोई हल करे और यकीन मन्नो सडोत्रा साहब ये पिछले कई सदियां तों उत्थे रह रहे हन क्योंकि ये जिहड़ा एरिया है इसनूं जाणिया जांदा है सिकलगर बलादरी दे नाम तों ये महाराजा दे टाइम तों आए सन और ये सिकलगर दा काम करदे सन तो उन्होंने इत्थे विसाया सी इन्हां नूं जिसले इत्थे विसाया ते ये अदू दे इत्थे हन पर इन्हां दी जिहड़ियां जगह हन वह अजे तक इन्हां दे नाम नहीं होईआं बदकिस्मती रही बड़े सारे लीडरां दे नाल भी ये चले जिन्हां लीडरां दे नाल चले पर उन्हां लीडरां ने इन्हां दा यूज ते जरूर किया पर इन्हां नूं इन्हां दा हक नहीं दवा सके एक होर 215 दे विच एक साधु बन के एक फकीर बन के आया साडे इस देश दे विच असीं उस नूं पूरा देश थमाता उसने 15 लाख का जुमला सानू देता ते लाइना ते साडी मातावां विधवा भैणां ते बजुर्ग भरावां नूं खड़ा कर दिता ए पेंशन तों मुहताज हो गए हो 15 लाख ते की आना सी उन्हां दी जिहड़ियां 1000 दी जिहड़ी पेंशन आ रही सी उह भी खत्म कर दित्ती अज देख रहे हन कि उन्हां दी पेंशन खत्म हो गई जिसले जिहड़ी दवाई दारू दा जिहड़ा एक सोर्स सी उह भी खत्म हो गया बाकी बेरोजगारी दे नाल इन्ना बुरा हाल हो गया अज साडा यूथ जिहड़ा उह सड़कां ते आवारा घूमे करदा है कोई ड्रग्स दे नशे च जाया करदा है ते कोई दिहाड़ियां लगा के गुजर बसर करके किसी ना किसी तरीके नाल अपना घर चला रहा है गवर्नमेंट इत्थे तक नहीं रजी उन्होंने इन्हां दे घर खून पीणी जिहड़े मीटर न स्मार्ट मीटर वह लगा दिते ते हुण वह जिसले इलैक्शन आई ते इन्हां नूं लगे अज जिहड़ी अज जिहड़ी जनता वह साडे खिलाफ हो गई है ते वह ये किधरे ना किधरे बदला कढेगी ते नाल ही एक जुमला होर छड्ड दित्ता असीं तुहानूं 200 यूनिट जिहड़ी बिजली है मुफ्त देंगे मैं अज पुछना चाहुंदा हाँ क्या असीं अज भी उस जुमले च आना कदे सोच विचार के गल करियो कि अज जुमला दे करदे 200 यूनिट का तो तुसी मैनू सारे हाथ खड़े करके दस दियो एनसी दी जदों सरकार सी किसी एक ने भी बिजली का बिल दिता किसी एक ने दिता दसो एनसी दी एक वाहिद सरकार सी जिसने बिजली पानी तुहानूं मुफ्त दिता तुसी थोड़ी देर हो रुक जाओ इस बीजेपी ने तुहाडे साह लैण ते भी टैक्स ठोकना है अगर ये ना ठोकनगे तो फिर गल करियो एनसीडी सरकार एक ऐसी सरकार हुई आज भी तुसी देखिया है कि नफरत दी इन्होंने कदे सरकार नहीं चलाई आज भी आज गुलदस्ते दे विच बैठे दे हां हर कम्युनिटी दे लोग इत्थे बैठे दे हैं कदे नफरत दी अफीम नहीं बंडी इन्होंने सरकार हमेशा नफरत दी अफीम उही बंडदी हैं जिन्हां दे पल्ले कुछ नहीं हुंदा देने वास्ते कुछ नहीं हुंदा अगर उन्होंने पल्ले कुछ होए कोई डिवेलपमेंट के उपर गल कर कोई युवा की नौकरियों के उपर गल कर होर किसी गल के उपर गल कर मैं मान लवा जेडे वादे करके वो आई सी सरकार
15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਚੱਪਲ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਦੌੜਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਨਾਜ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ, ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਹੀ ਸੂਝੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਏ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 300 ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ 1150 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਲ 90 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟੰਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਸਤਰ ਚੁਕੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 1150 ਹੋ ਗਿਆ 450 ਤੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਨਸੀ ਦਾ ਸਾਥ ਫੜ ਲਓ, ਐਨਸੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਡਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਲੋਨੀ। ਹੁਣ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਐਨਸੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। 71 ਦੀ ਗੋਦਾਵਰੀਆਂ ਐਨਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਐਨਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਨਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੁਲੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ MP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ MP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, 370 ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਵਾਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡੋਗਰਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸਲੇ ਡੁੱਬੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸਲੇ ਡੁੱਬੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪੇ ਵੀ ਬਚੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜੰਮੂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਅੰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ED ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ,
मैनू ईडी का डर नहीं है। ईडी का डर उन्होंने होगा जिन्होंने काले कारनामे होंगे, जिन्होंने अपने घर भरे होंगे दो नंबरी पैसे न। मैं कोई काला धन नहीं कमाया, कोई काले कारनामे नहीं किते, मैं कोई काला धन ते काले कारनामे नहीं किते। मैं ना डरदा ईडी कोलों ते ना मैं सीबीआई कोलों डरदा। मैं छाती ठोक के कहना एनसी का वर्कर हाँ और एनसी दे नाल चलांगा। ते तुहाडे सारे कोलों भी ये वादा लेना चाहना कि अज तो बाद एनसी दे नाल चलो, एनसी नूं मजबूत करो, ते क्योंकि एनसी एक ऐसी पार्टी है जेडे जम्मू दे बारे च बड़ा कुछ सोचती है। साढ़े किन्ने हारे हुए एमएलए उन्होंने एमएलसी बना के मिनिस्टर तक बनाया, वायदे एनसी पार्टी है जिसने साड़ी आवाज जी जिंदा रखी है। बस इन्हीं गलों को विदाई लाँगा, बाकी मेरे तो बाद मेरे सीनियर्स वो बोलेंगे, वो जी गल मैं थोड़े तो सामने रखी हैं वो बखूबी जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है। और मैं तो उन्होंने समझ लो कि मैं उन्होंने स्कूल के अज पिया हाँ पहली क्लास तो, तो मैं अजा दूर तक पढ़ना है, तो मैं ये गाइड करते रहेंगे, मेरे टीचर भी हैं, तो मैं इन्हों का छत्र छाया मेरे सिर पर रहेगी, तो मैं चलांगा और आप जी का भी साथ देंगा। और लास्ट गल नारियां दे नाल खत्म करांगा, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, सडोत्रा साहब, गुप्ता साहब, एनसी पार्टी, बस इन्हीं गल्लां नाल तुहाडे तों विदाई लांगा। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਤ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਆਦਰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਜੇ ਸੁਤੰਤਰਾ ਜੀ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ जनाब रामपाल जी, फार्मर मिनिस्टर, जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल जोन, जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब जेडे फार्मर मिनिस्टर सारे और जोनल प्रेसिडेंट, बिमला लुथरा जी जेडे साडे साबका एमएलए न, और तेली साहब, बाकी सारे मेरे दोस्त इतने जेडे भी तशरीफ लै रहे सीनियर साथी साढ़े ब्ला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह। मैं सिर्फ दो लफ्ज थोड़े कहने कहने करने ने थे कि जो मेरी भैन ने या तुसा गांधी जी ने या बाकी साथियों ने जो किया है कि असं बड़ी परेशानी च है इस वक्त, पूरा जम्मू कश्मीर जोड़ा है बड़े दुख च है, परेशान है, और उन्होंने परेशानियों चू चाहे तुम अनइंप्लायमेंट समझ लो, चाहे तुम जिस तरह जमीन का मसला दसिया वो गल है, या सा अज जी भैन साड़ी ने दसा कि भाई गैस की कीमत है, कीमत समान छुए कर दें, मुसीबत में पूरी जम्मू कश्मीर फसी दी है। इन्हों का हल एक ही है, हल यह है कि इतों असी किस तरह छुटकारा मिले, वो अज सा वक्त मिले, वक्त ही आया कि यह जी पर्ची है बोर्ड की पर्ची असी इस्तेमाल करिए। इतने असी रमन भला जी नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सांझे कैंडीडेट ने, लिहाजा असी उन्होंने वोट देंगे, और वोट देके यह जी एक सरकार है चलती पी जी इतने जिन्होंने सानू तंग किते दा पूरी जम्मू कश्मीर नू, लोगों नू, बच्चों नू, कोई भी तबका खुश नहीं है, इस करके इसनू असी बाहर कढ़ीए और अच्छे लोगों नू ले आईए। लिहाजा भला साहब नू तुसी वोट पाओ ताकि ये सरकार जाए, और मैं लक्की जी का शुक्रिया अदा करना कि अज उन्होंने इतने मीटिंग रखी है, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੱਕੀ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਿਹਨੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਤੇ ਜੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ जी। सरदार प्रीतम सिंह जी, सरजीत सिंह जी, हरदयाल सिंह, सोनू सिंह जी, जगवीर सिंह जी, कुलवंत सिंह जी, रजिंदर सिंह जी, शेरा सिंह जी, लखन सिंह जी, जोरावर सिंह जी, आओ मेरे वीर जी।
मेरे जनाब गांधी वीर जी पाओ निकले जी आंदे जाओ ना प्रीतम जी इस साइड अल करांदे जाओ ना जेड़े जेड़ा होई जी इत्थू आंदे आ उत्थे लैंदे आ सारे चलो आ बच्चे तेते जाओ ना विशाल एक ग्रुप का फोटो लेना है जना मेरे वीर ने पार्टी ज्वाइन की मैं बड़ा ही उन्होंने शुक्र गुजार हाँ बाकी रतन लाल गुप्ता जी साडे महल के प्रधान सरदार गांधी सिंह जी अपने विचार रखे अज जो ये मीटिंग हुई है नैशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ा मन खुश होया क्योंकि सरदार हरबंस सिंह जी उन्होंने मेरा अज भी है प्रेम वो नैशनल कॉन्फ्रेंस च इलेक्शन लड़ते ही मेरे दादा जी सरदार उत्तम सिंह वो उन्होंने भाईचारा बड़ा गूढ़ा ही तो ऐसे भी उन्होंने चलते रहे हैं
उदे बाद वक्त बदल गया, वक्त बदलते बाद मैं रमन भला साहब नाल मिल गया। तो रमन साहब, रमन भला साहब नाल मैं उन्हां नाल बड़ी सपोर्ट पूरी कीती है, ऐसी गल नहीं है, लेकिन वो बड़े अच्छे बंदे न। मैं अपना कांग्रेस दे उनके बावजूद भी उन्होंने बड़े काम किए, साढ़े इत्थे हाल बना के दिता, उन्होंने पहले बैठ के गल की कि तुहानू की कमी है। मैं ही अही गरीब आदमी है, साढ़े कोल ब्याह शादियां वास्ते साढ़े कोल पैलेस नहीं कराए जाते, तो उन्होंने कहा कि तुम की चाहते हो। मैं क्या ये पैलेस साढ़े कोल जगह गुरुद्वारे की अही पैलेस बना दो। उन्होंने फस्ट टाइम जित के उन्होंने पहले पैलेस बना के सानू दिता। होर भी जोड़े छोटे मोटे काम से उन्होंने किते। तो मैं सदोत्रा साहब और तो बड़ा अच्छी तरह जानता, बहुत पुराना जानता है। तो मैं कहना सदोत्रा साहब इस गोविंदपुर कुलिया शिकली करा दे हाथ रखो, ये प्यार के भुखे ने, ये ना इन्होंने कोई पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए है, ये सिर्फ प्यार के भुखे ने। एक आवाज मारोगे 500 बंदा हजार चीखड़ा होगा। ये कौम है, कट्टर कौम है, सिख कौम है, जिथे गुरुद्वारे बह गए एक बार गल कह देंगे पक्के उतरेंगे। इन्हों सिर्फ प्यार दे भुखे ने, इन्हों गरीब बंदियां दे हाथ रखो, इन्हों दी जो काम न वो इन्हों दे करने चाहिए न। ये तुहानू पता है, पहले भी बोलिया मैं मकाना दी जमीना जिहड़ियां ने इन्हों दा नां नहीं है। एयरपोर्ट की बड़ी मुश्किल हो रही है, एयरपोर्ट अगे तू अगे वधदा जा रहा, ये गरीब लोग कित्थे जाणगे। तो इसे नाल मैं जायत कहना या कोई भुल चुक गलती मौकी हो तो मैं क्षमा करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े बाबू रामपाल जी जेडे जोन दे प्रधान न, साढ़े मलिक साहब जेडे साढ़े फार्मर मिनिस्टर भी हैं, और कठुआ अपने सॉरी उधमपुर रियासी के प्रधान, साढ़ी बिमला लोथरा जी जी एक्स एम एल ए, साढ़े चंद्रमोहन शर्मा जी जे साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट अरबन, साढ़ी लक्ष्मी दत्ता जी जी साबका वूमेन विंग की प्रधान है, साढ़े अंकुश बरोल जी जे साढ़े जॉइंट सैकटरी, साढ़े तेली साहब जे साढ़े ओबीसी के प्रधान, डॉक्टर विकास जेडे इनके सैकटरी न जम्मू सेंट्रल जोन के, साढ़े तिलक राज भगत साहब जेडे साढ़े डिस्ट्रिक्ट सैकटरी, साढ़े बिशनदास भगत साहब, साढ़े साढ़े यूथ प्रेजिडेंट अमन जी, साढ़े सोमराज जी, और काजी जलालदीन साहब साढ़े बड़े सीनियर लीडर, और लक्की जी जेडे साढ़े उन अपने जिन्हें अज दा मीटिंग रखाई दी है। थोड़े दिन पहले जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए हैं जम्मू च, ते इन्हें उत्थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया, और उमर साहब की जड़ी ब्लैसिंग करने इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, और इन्हें पार्टी की यकीन दिलाया कि भाई मैं पार्टी कन्नै चलूंगा, और पार्टी का थम दामन थामिया, मैं पार्टी का दामन मजबूती करने हूँ। अज तुम ये देखो कि अज लक्की जी ने इतने मीटिंग रखी है, और काफ़ी साथियों ज्वाइन किया है, जिन्हें ज्वाइन किया उन्हें मैं दिल की गहराइयों के मुबारक दिना। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ मुबारकबाद देना। मैं गांधी साहब की मुबारक देना कि इन्हें भी ज्वाइन की है। इस इलाके साड़ी बड़ी वाबस्तगी रही है नैशनल कॉन्फ्रेंस की। सरदार हरबंस सिंह जेडे साढ़े बड़े भरा न, सरदार हरबंस सिंह और कन्नै असी काफ़ी देर चले हाँ, अज भी वो साढ़े लीडर न। उन्हें काफ़ी इस इलाके अपनी जिन्ना कर सकते हैं वो कोलों ज़्यादा तरक्की कराई है, और तरक्की एक ऐसी चीज़ है, तरक्की रुकती नहीं। आज तरक्की अगर इतने तक चाहिए है, कल अगे चाहिए है, तो इस करके कम जड़े न ये होते रहते हैं, और कम ताइए होते हैं जिदे थोड़े एकता इतफाक होए। थोड़े जो सबका सरपंच राया सिंह जी ने भी काफ़ी अच्छी गल की है, लंबी चौड़ी गल की है, साढ़े ब्लाक प्रेजिडेंट परविंदर सिंह ने काफ़ी अच्छी गल की है। मगर मैं तुम्हें एक गल आखना चाहना कि भाई जेड़ा
नैशनल कॉन्फ्रेंस का और बाकी पार्टियों का बड़ा अंतर है। नैशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टी है, तुहाड़ी नबज जानती है, तुहाड़ा सब कुछ जानती है, और जिहड़ी बाकी पार्टियां वो उन्होंने जम्मू कश्मीर का कोई और नहीं है, क्या उहदे च बीजेपी है या बाकी कोई भी पार्टी है, नैशनल कॉन्फ्रेंस बाद पार्टी है जिहड़ी लोगों की गल समझती है। अज देश दे सामने एक बड़ा वड्डा मसला है, देश का मसला यह है कि देश का जिहड़ा आइन है, जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की खतरा है। अज देश का जिहड़ा भाईचारा उसी खतरा है, क्योंकि जम्मू हिंदुस्तान जिहड़ा ये बड़ा वड्डा मुल्क है, बड़ा वड्डा देश है। इस देश के लोगों को चाहिए कि अस कियां मजबूत होचे, कियां कट्ठे रोचे, और कट्ठे रखने लिए कोई हल चाहिए। वह हल कढ़ने लिए अज सारिया अपोजिशन पार्टियां कट्ठिया हुई, और उस अपोजिशन पार्टी ने कट्ठे होइयै एक फैसला किया कि असें इंडिया ब्लॉक बनाना, नैशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर च पार्टियां सीटां बंडियां, कश्मीर च त्रै सीटां नैशनल कॉन्फ्रेंस के खाते चढ़ियां, और जम्मू च दो सीटां कांग्रेस के खाते आईयां। अज अगर जम्मू च अस इलेक्शन की गल करचे, पार्लीमेंट की इलेक्शन की गल करचे, अज पार्लीमेंट इलेक्शन चला दा, इत्थे अगर कोई उम्मीदवार नैशनल कॉन्फ्रेंस का तो वह बोल रहे अपने रमन भल्ला साहब है, क्योंकि रमन भल्ला साहब की वोट देना तुसी समझना नैशनल कॉन्फ्रेंस की वोट देना, इसलिए क्योंकि सारा कार्ड है, सारा अलायंस है उनके कन्ने, असी इंडिया ब्लॉक कन्ने चला दे, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार है रमन भल्ला साहब, रमन भल्ला की तुसे मजबूत करना, रमन भल्ला निशान उपर मोर लाने हैं, बटन दबाना है, ताकि इंडिया अलायंस मजबूत होए। अगर आज इंडिया अलायंस मजबूत होया, जिहड़ा लोकें दा एक विचार है, लोकें दी गलबात सुनो, ये लगता है कि सारे लोग जड़े वो एक मन बना लेदा कि असें इत्थे इंडिया ब्लॉक के लियाना है। हिंदुस्तान इसलिए बड़ी तब्दीली वाले पासे जा रहा है, अगर जिहड़ी हवा अज चला दी है, अगर वह हवा आखिर तक चलती है तो तुसीं 4 जून की देखना है कि इंडिया ब्लॉक कामयाब हो, और इंडिया ब्लॉक कामयाब जिहड़ा वो तुहाड़े वोट कन्ने हो सकदा है, एक एक वोट का मुल है। ये समझो कि जी बीबी सुनीता कहेगी कि छड़ा मैं वोट पा देंगी, बाकी कोई नहीं पाएगा, सारे का वोट पाना, एक एक वोट का मुल है। अगर वोट पेगा तो इंडिया ब्लॉक कामयाब होएगा, इंडिया ब्लॉक कामयाब होएगा, लोगों दी बड़ी मुश्किलें दूर हो। बीजेपी झूठी पार्टी है, झूठ बड़े साफाई नाल झूठ बोलते हैं ताकि अगला समझे भाई वाकई ये झूठ जरा सही है, असा ये को बच के रहना और इन्हों की गलों च नहीं आना, ये गुमराह करते हैं, ये धर्म की सियासत करते हैं, असी लोगों की सेवा की सियासत करनी है, असी इंसानियत की सियासत करनी है। इस करके मेरी थोड़े सारे अगे बिनती है कि तुसे सारे मिलिए, एकता इतफाक करिए, तुसी अपना जरा इंडिया ब्लॉक के वोट देना। आज तुसी ये देखो सरकार है इत्थे, तुसी ये उहदे कलोनी की गल की है, तुसी अपने कामकाज की गल की है, सरदार ज्यादा ट्रांसपोर्टर, अज ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, बुरा हाल है, रोज हड़तालां करनियां पैंदियां, फिर कितने कोई सुनवाई होंदी है, और तुसी एक गल देखोगे अगर ट्रांसपोर्टर अज गल नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, वक्त यह आ रहा कि इत्थे कोई लोकल गड्डी नहीं लभेगी, सब बाहर दी गड्डियां आनगियां, और ये बदकिस्मती है, ये 370 हटाने की सब तो बड़ी देन है कि साडा कारोबार, साडियां नौकरियां, साडी जिहड़ी इत्थे पैदावार है वो सब बाहर दे लोकी ला जा। अज तुसी रेत की एक ट्राली लैनी होए तो कितने 5000 करोड़ थले नहीं आती, अज बजरी की ट्राली लैनी होए वो 7-8 हज़ार करोड़ थले नहीं आती, पत्थर लैना होए बोलो असी हुण बजरी रेत पत्थर जोड़े भी नहीं रहे, 370 के हटिया वह भी बाहर के लोग व्यापार कर रहे, नौकरियां बाहर के लोग ले जा रहे, बसा लोग बाहर के लोग आके पाणगे, तुसी किसे पासे दे रहना। जिले 370 हटिया सी असी भी सोचते सा कि वाकई पता नहीं असी गलत सा, यह ठीक न, बड़े ढोल बजाते, अज जो ढोल बजाते उन्होंने भी एहसास होया कि असी गलत करते। इस करके मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि तुम काफ़ी देर तक बैठे दे, मैं चाहता सी बाबू रामपाल जी भी बोलते, मलिक साहब भी बोलते, मगर शायद
मलिक साहब और काजी साहब भी बोलते मगर इन्हें कहने तुसी बोलो ताकि थोड़ा लेट हो गया। इस करके मैं थोड़े सारे बेनती करना कि कल जल्द वोट पाना इन्हों की गल इन्हें बड़ा कुछ आखना इन्हें गुमराह करना मगर मेहरबानी की करके वोट तुसा इंडिया ब्लॉक न पाना है। इंडिया जीतेगा और 4 जून की जल्द रिजल्ट निकलेगा तुसे दिखना कि इंडिया जीतया और इतने इंडिया का जो कैंडिडेट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी और रमन भला साहब है तुसी उसी कामयाब करना। यह पार्टी का फैसला है, यह पार्टी का हुक्म है। अगर पार्टी का हुक्म के मुताबिक पार्टी के फैसले मुताबिक तो चलोगे तो सारा सिलसिला कामयाब होगा। अगर तुसी अपना वोट अगे पिछे पा दोगे तो वोट जाया होगा और वह लोग सवार हो जाएंगे जेड़े थोड़ी इज्जत मान सम्मान नहीं कर सकते जेड़े थोड़ी नबज नहीं समझते। अज वक्त है वोट उन्होंने देना जरा थोड़ी नबज समझे थोड़ा वोट लैके वो शुक्र करे यार थोड़ा बड़ा शुक्रिया तुसा वोट दिता है। अज जिथे वह भी लोग आने जिन्हें वोट तुसा कहना असा ने तुम्हें देना उन्हें कहना यार मैं बड़ा भाड़ा मैनू वोट ना दे ए बुजो कटनी फोटो उन्हें आखना प्राइम मिनिस्टर ना का वोट दे मगर तुसा यह देखना थोड़ा वोट जरा जाया नहीं जाना चाहिए थोड़ा वोट जरा सही जगह जाना चाहिए और जो तुम इतने बैठे हो तुम बाकी जगह भी यह गल फैलानी है कि ऐसी तब्दीली का माहौल है असं भी उस तब्दीली के उत्सव च तब्दीली के मेले च असं भी इस मेले दाखिल होना यह नहीं हो इतने तब्दीली नहीं होए देश पूरे तब्दीली होए देश के कहेगा कि यार तब्दीली सारे करते इन्हें क्यों नहीं की। इस करके मैं उम्मीद है ये जरा अस इत बैठे हाँ गोविंद सिंहपुरा गोविंद सिंहपुरा गोविंदपुरा गोविंदपुरा जरा थोड़ा एक बड़ा सानू एक कंट्रीब्यूशन रहा सरदार बंस सिंह जी जिन्हें दफा इलेक्शन लड़े तुसा वोट दिते असी जाती तौर पर समझने कि पार्टी थोड़ी तो रही नहीं है कि तुम हमेशा नैशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिता है और अज जरा अज असी देश की खातर देश के आयन की खातर देश एकता करने लई देश सैकुलरिज्म की मजबूत करने लई असी तुहानू अपील कर रहे हैं कि अपना वोट इंडिया ब्लॉक नूं देना और इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जिहड़ा रमन भला साहब है इसे उम्मीद नाल तुहाडे कोल अरदास चाहुंदे हां कि जिले रिजल्ट 4 तरीक आएगा तो सानू पता चलेगा कि जे रमन भला साहब कामयाब होए और तुहाडा जिहड़ा इहदे विच कितना योगदान रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत बहुत जी आओ जी फोटो खिंचाओ जी रामपाल जी जन्म जी आओगे।